सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू की कचौरियों का मटेरियल बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो के टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम आटा गूंदने का तरीका सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी फिलिंग का तरीका देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। इसके लिए आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने आधा किलो ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा लिया है, आधा किलो, एक चम्मच खाने वाला नमक, चार चम्मच मैंने घी लिया है। घी आपने मेल्ट फॉर्म में यूज करना है लेकिन लास्ट पर। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पर ये पानी नजर आ रहा है, पानी हमने गर्म लिया है। चलिए अब हम आपको गूंद कर दिखाते हैं कि आटा किस तरह तैयार करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में ये नमक शामिल कर देंगे, सारा मिक्स करें अच्छे से। अब वही नीम गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह घर का आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से। आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब मैं इसे डाम कर रख दूंगी 20 मिनट के लिए। अब इस स्टेप में मैं आपको लई बनाने का तरीका बताऊंगी। लई बनाने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर हैं, एक मैदा और दूसरा घी। इन दो चीजों से अब हम लई रेडी करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल इस मैदे को लेना है और इसे घी में शामिल कर दें। पहले हम थोड़ा सा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पतली लेवी सी हमने बनानी है। ये देखिए, इस तरह आपने एक पतला सा मिक्सचर लई तैयार कर लेनी है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आटे की तरफ चलते हैं। ये आटे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आफ्टर 20 मिनट हमने क्या करना है, इस आटे को बाहर निकालना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, मैंने काउंटर अच्छे से साफ किया, आपने भी इसको अच्छे से साफ कर लें। इसको अब हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखें, इस तरह फैलाने के बाद अब हम इसको ऐसे इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। और अब इस आटे के मैं पेड़े बना लूंगी। पेड़ा आपने अपनी साइज का ले लेना। ये मैंने कचौरियों के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं। अगर आपको बड़े साइज की बनाने तो बड़ा पेड़ा बना लें, मैंने नॉर्मल साइज का पेड़ा रखा है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये हमने कचौरियों की जो आलू की फिलिंग बनानी है उसके लिए मैंने आलू बॉइल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसके साथ हम बारीक फाइन चॉप हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और मैंने फाइन चॉप प्याज इस्तेमाल किया। ये एक प्याली आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जितनी जरूरत हो आप उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अनारदाना मैंने इसको पीस लिया, पीसने के बाद एक चम्मच अनारदाना, पीसा हुआ सूखा धनिया एक चम्मच, नमक हसबे जरूरत मैंने आधा चम्मच लिया, सुर्ख मिर्च एक चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम आलुओं में, हमने आलुओं को मैश कर लिया, मैश करने के बाद इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ, अनारदाना पिसा हुआ, नमक,
सुर्ख मिर्च और गरम मसाला, सबस कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये फिलिंग रेडी है, अब हम इसको बेलेंगे। अब मैं इसके अंदर आलू वाली फिलिंग करूंगी। इस तरह आपने इसको पकड़कर इसी तरह अब मैं सारी कचौरियां तैयार कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, इसके लिए मैंने कढ़ाई जो है वो फुल भर ली है, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है। लेकिन पकाने का इसका तरीका भी सेम है, इसको हम हल्की आंच पर लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर इसको डालूं। सेम उसी तरीके से मैं ये सारी डाल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी आलू की कचौरियां बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने चने के सालन के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें।